मतलब माँ बाप कुछ कहेंगे तो अपने आपको आग लगा लोगे। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। आइए करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत सबसे पहले पीते हैं चाय, क्योंकि मेरा गला आपको दिख रहा होगा, ठंड भी शुरू हो गई है तो गले में अब ऐसे ही रहने वाला, कभी ठंड कभी कुछ, तो अब सर्दी शुरू हो गई। आप भी अपना ध्यान रखना, तो मैं तो अपना ध्यान रख रही हूँ। मोहनलाल जी भी बता रहे थे कि आज सुबह बहुत ठंड थी तो उन्होंने वार्मर पहना नीचे, तो ठंड शुरू हो गई। आप लोग भी अपना ध्यान रखना। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ये रही मेरी चाय, तो सबसे पहले पीती हूँ चाय, उसके बाद करते हैं घर का काम। तो कमरा साफ करना है। मैं आपको लाई हूँ पीछे की गैलरी में, जो मेरे पीछे की गैलरी है, इसमें देख रहे होंगे कि पौधे कम हो गए हैं, क्योंकि पौधों की छटाई करवाई की है मैंने, कल खुद ही की है। ये देखो यहाँ पे पौधे काफी मतलब फैल गए थे एकदम, इधर उधर उधर सारे ऐसे गंदे से लग रहे थे, तो मैंने इनको सारा, यहाँ दो गमले खाली भी कर दिए, तो इनको कटाई छटाई करके देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब पहले बहुत ज्यादा फैल रहे थे, अब ये बेल जो ऊपर जा रही है ये देखो, इसको मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ये ठीक थी अभी, बाकी सबका कटाई छटाई कर दी है। ये रहा मेरा पीछे का, गैलरी के पीछे जो आप देखते थे हरियाली, झाड़ियां सी देखते थे, ये झाड़ियां बारिशों में काफी बड़ी हो गई थी, तो वो यहाँ का जो भी होगा जो हेड, उन्होंने वो मंगा के गाड़ी मतलब मशीन मंगा के सारे पौधे कटवा दिए, क्योंकि पीछे इतने बड़े बड़े पौधे हो गए थे कुछ दिखता नहीं था। अगर मैंने बताया था ना कुछ झाड़ी में कुछ छुप के बैठा हो तब भी नहीं दिखेगा, तो सारी कट गई हैं, यहाँ नहीं हर जगह, वहाँ सामने भी देखो बिल्कुल साफ कर दिए हैं पूरे पूरे मतलब हमारे इलाके में सारी झाड़ियाँ जुड़े सब कटवा दी हैं। मैंने बताया ना कि मैंने कल पीछे पौधों की सारी कटाई छटाई की है, जो जिस गमले में ये थी वो गमला टूट गया था, तो टूट रहा था तो मैंने कहा उसको बिल्कुल निकाल देते हैं, दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ वो जो इसकी जड़ है, तो उसमें से ये शकरकंदी निकली है। देखो ये गमले में से निकली, अभी दूसरे गमले की मैंने खोली नहीं है क्योंकि उसकी बेल काफी अच्छी जा रही थी, तो ये गमला टूट रहा था तभी मैंने इसको तोड़ के तो निकाल लिया और दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया उसको। ये रही हमारी छोटी सी गैलरी, गैलरी जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरी छोटी सी गैलरी है। मैं आई हूँ नीचे, ये देखो ये हीरो है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये डेली खाना खाने आता है इस टाइम, तो अभी मैंने ऊपर से देखा तो यहाँ पे काली भी आई हुई। काली मेरी, काली खाना खाने आई है, अभी देख दे देखो कैसे पूंछ हिला रही है। ये रही मैं, ये रहा मेरा हीरो, खा ले खाना, ये रहा, अरे खाना खा, ये पता क्या कहता है, खाना भी मांगता है, कहता है मुझे प्यार भी करो। मैं बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता, पुच्छा पुती का नाश्ता, ये पुच्छा पुती के लिए आमलेट बन रहा है, कुछ भी नहीं डालती इसको, ऐसे ही तवे मतलब इस पर फ्राई पैन में डाल के बनाती हूँ, क्योंकि नमक इनके लिए जहर के बराबर है, और ये उबले हुए अंडे खाने इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे है ना ऑमलेट बना के इनको खिला देती हूँ, तो खुश होके खा लेती हैं। तो मैंने कब मैं बना दूँ, मैंने अंडे का नाम लिया तो पुच्ची ऐसे पुती है ना मेरी, ऐसे नाचने लग गई इसको खाने जल्दी बना। ये देखो ऑमलेट बन गया, अब इनको दे देती हूँ आधा आधा। मैं एक एक अंडे का ऑमलेट बनाती हूँ क्योंकि ये खा लेती हैं, फिर मैं एक एक का फिर बना दूंगी, अगर एकदम दो दो अंडे का बना दूँ ना ये खाती नहीं है, ये नखरे बहुत करती हैं, अभी एक एक का बना दी खा लेंगी फिर मैं एक एक का फिर बना दूंगी। कमरे की सफाई हो गई है बस, अभी कमरा साफ किया है, उसके बाद मैं फ्रेश हुई हूँ, नहा ली हूँ, मैंने कहा वो खाना बना लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है। आज मैंने बनाया परथा, तो परथे के साथ मैं सोची नमक की परांठी बना लूँ तो अच्छी लगती है, तो परथे के साथ नमक की परांठी, तो चलते हैं रसोई में, पहले खाती हूँ खाना, उसके बाद आगे का जो भी होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मैं खा रही हूँ रोटी और ये देखो बर्था, और बर्था मैंने आपको बताया था नमक की परांठी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे परांठे के ऊपर रख के खाने में और अच्छा लगता है, गरम गरम परांठी और उसके ऊपर बर्था रख के, है ना, बर्था भी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, बर्था पहले से गर्म था लेकिन परांठी के ऊपर रखने से ना और अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ऐसे खाती, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाई है दो परांठी और खाते हैं खाना। बर्था बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी बना के देखना, मेरी यूट्यूब उस पर शॉर्ट वीडियो में मैंने बर्थे की रेसिपी डाली हुई है, तो आप बना के देखना जैसे मैं बनाती हूँ, और बर्था वाकई में अच्छा लग रहा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, आप भी बना के देखना आपको भी अच्छा लगेगा। आज मोहनलाल जी ने छुट्टी कर रखी थी तो घर पे थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर पार्क चलते हैं क्योंकि पार्क हम काफी टाइम दिन से गए भी नहीं, और मैंने कहा थोड़ा सा पार्क जाना मतलब खुद को अच्छा लगता है, मैं कहा आज पार्क होकर आते हैं, तो अभी बस मोहनलाल जी कह रहे मेरे को चाय बना दे, तो चाय पी के फिर चलते हैं, खाना वगैरह हम खा चुके हैं तो अब बस जा रहे हैं पार्क, और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड भी बढ़ गई है पहले से, आज हवा भी चल रही है, तो मौसम बाहर का भी अच्छा हुआ पड़ा है, तो इसलिए जा रहे हैं हम पार्क, थोड़ी देर घूमेंगे। हम पार्क पहुंच गए, हम एक्टिवा पे आए हैं, यहाँ मोहनलाल जी मेरे साथ हैं, बस अभी ये देखो एक्टिवा खड़ी की, हम अंदर जा रहे हैं पार्क के, मोहनलाल जी को लेके आई हूँ, मैंने कहा पेट बढ़ गया थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, वैसे तो बहुत चलते हैं मोहनलाल जी, मैंने कहा पार्क में भी थोड़ी देर घूमना चाहिए, आज घर पे थे तो मैंने कहा चलते हैं पार्क,
तो पार्क काफी बड़ा है, ये मैं आपको पहले कई बार दिखा चुकी हूँ, देखो कितनी अच्छी पार्क में झूले वगैरह लगे हैं। आज हम किस साइड से आए हैं? दूसरी साइड से आए ना। अच्छा, ये झूले अभी लगे होंगे, ये वाले पहले नहीं थे? हाँ, ये झूले अब लगे हैं, पहले नहीं थे झूले। हाँ, ये दूसरी साइड आए। अच्छा, हम उस साइड से आते हैं, इस साइड हम तो मुझे मैंने कहा बड़ा अजीब अजीब लग रहा है, जैसे ये देखो कितना बड़ा पार्क है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई कैसे। आज मोहनलाल जी को एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी, और मैं भी करूंगी। मोहनलाल जी का फोन आ गया तो कह रहे मैं फोन पे बात कर लूँ, फिर मैं थोड़ी देर चलते हैं। वैसे तो चल ही रहे हैं थोड़ा सा पार्क में, बच्चे यहाँ पे बंदे आज कम है क्योंकि आज धुंध हो रही है, धुंध हो रही है और ठंड भी हो गई, आज हवा भी चल रही है, तो फिर भी चलो थोड़ी सी हम भी एक्सरसाइज या घूम लेते हैं थोड़ा सा। आज धुंध हो रही है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो आज थोड़ी मेरे को लग रहा है ठंड बढ़ गई है आज से। ठंड तो शुरू हो गई थी लेकिन आज ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। मैंने कुछ नहीं पहना था ना, ये पहन के आई हूँ कोट सेट, और ये भी पतला है, कोई ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ठंड लग रही है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। हाँ हाँ, मोहनलाल जी कह रहे हैं एक्सरसाइज करो, मोहनलाल जी करेंगे फिर मैं भी करूंगी। देखो कह रहे हैं मैं नहीं करता, एक्सरसाइज की तेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें जरूरत नहीं है, ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे तेरे को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे इतना पैदल चलता हूँ। अरे पेट की वजह से कह रही हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ये कह रही हूँ, मेरे को तो जरूरत है, मैं तो करूंगी करूंगी, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, नहीं करना कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, पर पार्क में आके अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश होते हैं पार्क में। हाँ, धुंध हो रही है ना, आज कम है, ठंड है ना, ठंड की वजह से लग रहा है, आई नहीं है, कम है। बच्चे आराम से गिर मत जाना, पता है जोश जोश में गिर गए हो। और यहाँ पे भी देखो बच्चे, अरे छोड़ दे छोड़ दे, देख उल्टा टेढ़ा हो गया, वो आ रहा था सीधा, तूने पकड़ लिया, टेढ़ा हो गया, ये देख क्या हुआ, लग गई, आए हाय, यहाँ मैं आपको एक बच्चा दिखाती हूँ, मैंने उसका जख्म देखा मेरे को, ये कैसे चला, बम पटाके से? हाँ, अपने आप कैसे आग लगा ली? अच्छा, है इतना शरारती है तू, मतलब माँ बाप कुछ कहेंगे तो अपने आप को आग लगा लोगे? ये छोटा सा बच्चा देखो कह रहे हैं कि ये मैंने इसका जख्म देखा, मुझे तरस आ गया इस पे, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, तो ये लड़का कह रहा है इसने अपने आप को खुद आग लगाई है, कह रहा है, मैं कहा क्यों, कहते मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया तो अपने आप को आग लगा ली। अभी तो तू बहुत छोटा है और तू अभी से ही ऐसे हरकत करता है, है अब ये दर्द किसको हो रहा है, तुझे हो रहा है ना, मम्मी पापा को थोड़ी हो रहा है, तुझे हो रहा है ना दर्द, ऐसी हरकत क्यों करता है बेटा, और कितना बड़ा जख्म है देख, ये पता है कितना टाइम लगेगा सूखने में इसको, 3-4 महीने। बच्चे ऐसी हरकत करते हैं बेटा, माँ बाप तो बोलते हैं, माँ बाप तो डांटते भी हैं, मारते भी हैं, और हमारे अच्छे के लिए करते हैं ना, लेकिन ये क्या मतलब कि अपने आप को आग लगा लो, आगे से करोगे ऐसी हरकत? ओए छोटू, आगे से नहीं करोगे ना ऐसे? यहाँ आके नई चीज पता चलेगी, छोटे छोटे बच्चे भी मतलब इतने वो हो गए हैं कि अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, मतलब कितने साल का है ये, कितने साल का है? 4 साल, 4 साल का बच्चा है, और इसको इतना पता है कि माँ बाप ने कुछ बोला है तो मुझे आग लगानी है, मतलब कल तक मैं सुनती थी, आज मैंने देख भी लिया, और ये बच्चे बता रहे हैं, ये देखो ये लड़का बता रहा है, ये इनके घर के पास रहता होगा ना, ये भी मामा, ये मामा चाचा का लड़का है, तुम्हारे चाचा का लड़का है, ये देखो ये बता रहे कि मेरे ये चाचा का लड़का है, बेटा अच्छी हरकत नहीं है, बस मुझे इतना पता है, आज ये किया, कल ये बड़ा होगा तो पता क्या क्या करेगा, नहीं अभी से ये हाल है, आगे क्या करेगा, देखो हमें डर लगता है लेकिन बच्चे नहीं डरते, देखो कितनी तेज से झूला झूल रहे हैं, ये देखो ओए होए, ये देखो गिर जाओगे, इतनी तेज कर रहा है, गिर जाएगा, ये हरकतें कर रहे हो, धीरे धीरे झूल लो, क्या हुआ, किसने मारा है? करते रहो, अच्छे लग रहे हो, ये देखो मोहनलाल जी कर रहे हैं एक्सरसाइज इस मशीन पे, करवा के छोड़ दी, देखो कह रहे, देखो मेरे भाई जी ऐसे एहसान कर रहे हो ना, कह रहे मोहन लाल जी से करवा के छोड़िए,
अब पार्क में आए तो कुछ तो करेंगे ना, खड़े थोड़ी रहोगे। अब ऐसा करूंगा काम नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ पैदल घूमो जितना घूम सकते हो। पहले पैदल चलने से पेट अंदर नहीं हो गया था तुम्हारा? बिल्कुल एकदम पैदल, तुमने एक्टिवा छोड़ दी थी चलानी, तुमने कहा मैं पैदल जाऊंगा जहां भी जाऊंगा आसपास, मतलब दूर नहीं। अरे पहले यहाँ इसके ऊपर चढ़ नहीं रहे थे, अब चढ़ गए तो उतर नहीं रहे, कह रहे अब यही ठीक है इसी पे करूंगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज की है और थक गए हैं, कहते थोड़ी देर आराम करते हैं फिर बनाते मतलब झूले जो भी हैं एक्सरसाइज करते हैं, झूले भी झूलेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। अब थोड़ी देर बैठ जाओ मुझे कहते हैं, देख लो अब इस कितनी देर की है एक्सरसाइज, थोड़ी सी देर की है। इसी पार्क में हमें एक बार हीना, एक नहीं दो बार हीना मिली थी, हीना और उसकी मम्मी और उसकी जो नंदे हैं दोनों, आज भी सोची मिल जाए तो अच्छी बात है। हम खाना मतलब हम पार्क से आ रहे थे तो ये जो डॉग है ये बिच है, इसका मैंने ऑपरेशन करवाया था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वहां रस्ते में बैठी हुई थी तो मैंने इसको पहचाना तो इसको बुलाया तो ये मेरे इतना प्यार किया इसने मुझे बहुत ज्यादा, और ये हमारी एक्टिवा के पीछे भाग भाग के घर तक आ गई है और मोहनलाल जी गए ऊपर खाना लेने के लिए इसके लिए। तो ये देखो कितनी प्यारी है छोटी सी, ये पीछे पीछे आ गई हमारे एक्टिवा के, मतलब देखो बेजुबान जानवर कितनी मतलब पहचानता कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं। पहले तो हमें वहां पर खड़े होकर प्यार किया, उसके बाद हमारे साथ में पीछे पीछे आ गई। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। आप लोग बाहर से खरीद के डॉग पालते हो, गली के डॉग पालो कितना अच्छा है। ये देखो अगर इसको नहला धुला के इसको घर में रखा जाए ना तो बहुत सुंदर है। मेरे पास पहले ही दो डॉग है, नहीं तो मैं इसको रख लेती, क्योंकि मेरे पास दो डॉग ऑलरेडी है। ये दूध ब्रेड खाती है और मैं इसके लिए पेडिग्री भी लाई थी लेकिन इसने पेडिग्री नहीं खाई, दूध ब्रेड खा रही है। पेडिग्री मैंने फिर रखी, मेरे को कोई और डॉग आएगा तो उसको दे दूंगी। ये देखो ये पेडिग्री पेडिग्री नहीं खा रही है। जब मैं पार्क से आई ना तो मुझे ठंड लगने लग गई क्योंकि वहां हवा बहुत तेज चल रही थी, घर पे थी मुझे इतना नहीं पता चला, मैं पार्क चली गई इनके साथ, पार्क गई तो वहां से आई ना मुझे इतनी तेज ठंड लगने लग गई, आप मानोगे नहीं मेरे को जैसे पता नहीं क्या होने लग गया। तो मैंने उठाया कंबल, क्योंकि रात को ही कल रात को ही हमने स्वेटर और कंबल वगैरह निकाले थे। मोहनलाल जी कहने लगे मुझे वार्मर चाहिए, ठंड लग रही है मुझे और मुझे सवेरे उठता हूँ तो मुझे ठंड लगती है, वार्मर मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कल ही मैंने कपड़े निकाले थे और मैंने अभी धूप भी नहीं निकल लगवाए थे क्योंकि यार धूप ज्यादा निकली भी नहीं थी। तो मैंने एक हमारा कंबल टाइप में ही है, वो ज्यादा मतलब हैवी नहीं है ना ज्यादा हल्का है, तो वो भी मैंने निकाला था अपने पहनने के लिए। तो मैंने जैसे मोहनलाल जी को कहा, मैंने कहा मुझे ठंड लग रही है ये उठा के देना, और उन्होंने मुझे जैसे उठा के दिया और मैंने उसको लपेटा और मैं मुझे नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ गई हूँ। और अभी अभी मैं उठी हूँ तो कम से कम नहीं उस टाइम 6 बज रहे थे और अब 9 बज रहे हैं, मैं 3 घंटे बाद उठी। मोहनलाल जी ने मुझे नहीं उठाया क्योंकि मुझे अगर ये उठा देते मेरी तबीयत खराब हो जाती और मेरे को इतनी तेज ठंड लग रही थी मैं सो गई आराम से। बस अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कहा मैं अब खाने की तैयारी भी करनी है और चाय नहीं पी शाम की, सिर में दर्द हो रहा है ठंड की वजह से ना, सिर में दर्द हो रहा है आज, तो मैंने कहा चाय भी बना ली थी और पहले बनाती हूँ चाय फिर उसके बाद खाने की तैयारी। ठंड बहुत हो गया, आप लोग भी अपना ध्यान रखो। आज पहला दिन था ठंड का, मतलब इतनी ठंड पड़ी है एकदम हवा जैसे, तो शरीर ऐसे हो रहा है जैसे दर्द कर रहा है शरीर, सोती ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। तो मैं अभी बस अब चाय बनाने जा रही हूँ, मैं कहा आप लोगों को भी बताऊँ थोड़ा अपना ध्यान रखो ठंड, अब कह रहे हैं कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी इस बार, बाकी देखते हैं। आप लोग भी घर से निकलो तो टोपी वगैरह स्कार्फ जो भी है पहन के जाओ, स्वेटर वगैरह जुराबें, ठंड बहुत पड़ने वाली है। जब मैं पार्क जा रही थी तो सब्जी वाला आया तो उसके पास साग था, मेरा मन कर गया साग लेने का, तो साग अच्छा था तो उससे मैंने साग लिया, फिर मैंने काट कूट के रख गई थी पार्क जाने से पहले। तो मैंने कहा आके बनाऊंगी, आते मुझे ठंड लगने लगी तो मैं लेट गई, अब मैं साग को धो के बना लेती हूँ, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से बनने में, तो कोई बात नहीं अभी तो टाइम है, पहले चाय पीते हैं उसके बाद मैं साग धो जा के बनने के लिए रखती हूँ। तो साग के साथ बनाएंगे आज मक्की की रोटी, तो मोहनलाल जी भी घर पे है तो सबसे पहले पीते हैं चाय। सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा ठंड की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, मैं पहले बनाती हूँ चाय इसके बाद खाने की तैयारी। आज साग कटा हुआ है, मैंने काट के रखा हुआ है, साग बनाने का सोच रही हूँ। आज मैंने बनाया है साग बनाया और साथ में बना रही हूँ देखो मक्की की रोटी, और ये मेरा साग बन चुका है, मैंने आपको बनाते हुए नहीं दिखाया, मैं भूल गई। और देखो साग मोहनलाल जी खाना खा रहे हैं, ये डिनर है हमारा रात का, तो मक्की की रोटी के साथ साग का स्वाद अच्छा लगता है। तो बस मैंने कहा इसको आपको दिखाते हैं, वहाँ मोहनलाल जी खा रहे हैं खाना, कैसा लगा? सही बना साग? बहुत अच्छा बना साग, सही बना हुआ, बहुत बढ़िया। ऊपर से मक्के की रोटी, हाँ ऊपर से और क्या है साथ में,
देसी घी, देसी घी, ये देखो साथ में देसी घी भी रखा हुआ है क्योंकि साग में देसी घी डाल के खाने में मजा आता है। मौसम का पहला साग हमारे घर में आज बना है और बहुत टेस्टी बना है। मोहनलाल जी और कनिका ने खाया, तारीफ कर रहे थे, मुझे पता वो झूठी तारीफ नहीं करते, तो मैं भी, अब मेरा नंबर आ गया साग खाने का। और साग मेरा और साथ में ये रही रोटी और साथ में देसी घी लगा के, साग में भी देसी घी डाल के खाओ और मक्की की रोटी में भी देसी घी लगा के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे मुंह से पानी आ रहा है, बस मैं सबर नहीं हो रहा मुझसे कि मैं पहले खा लूं, तो मैं खा रही हूँ ये साग के साथ रोटी। इतनी मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं उसके अंदर डालना भूल गई, मैं कटोरे के अंदर खाने लगी थी। देखो इतनी मैं उतावली हो चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बना, सच्ची में बहुत टेस्टी बना है। मैं अपनी झूठी तारीफ नहीं कर रही, सच्ची में बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी बनाओ साथ, मजा आ जाएगा। और साथ में मक्की की रोटी जरूर बनाना। खाना हमारा हो चुका था क्योंकि सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत टेस्टी बने थे, तो उसके बाद कुछ मीठा खाने का भी मन करा था क्योंकि रात को कई बार है ना क्रेविंग होती है कि मीठा खाने का मन करता है। मिठाई तो पड़ी है लेकिन मिठाई खाने का मन नहीं था, तो हमने सेवियां बनाई, जो करवा चौथ पे सेवियां नहीं हमने ली थी वो रखी हुई थी, बची हुई थी, तो मैंने कहा इसको बना लेते हैं। कभी कभी क्या आजकल दिल करता है मीठा खाने का, तो मिठाइयां तो रखी हुई हैं, फिर मैंने कहा चलो ये सेवियां बनाती हूं। सेवियां करवा चौथ की रखी हुई थी, तो मैंने एक बार पहले भी बनाई थी, तो थोड़ी सी जो पड़ी थी आज मैंने बना दी, तो मैंने कहा मन कर रहा है तो खा लेते हैं। बहुत टेस्टी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को कैसी कैसी लगती हैं सेवियाँ मुझे कमेंट्स में बताना। तो खाते हैं सेवियाँ।